सो हे गाइज एंड यू आर वॉचिंग अमन स्टोरीज एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। ऑल राइट गाइज, आज की इस वीडियो में मैं एक नहीं दो नहीं बल्कि चार वर्सेस बैटल करने वाला हूँ। यस, जो पहली बैटल रहने वाली है वो होगी ब्लैक एडम वर्सेस डेडपूल, सेकंड बैटल होगी सुपरमैन और मून नाइट की। एंड यस गाइज, बिलीव ऑन मी, आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। सो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पर न्यू आ गए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना। एंड यस, लेट्स बिगिन। वेल, तो अब बात करते हैं मून नाइट की। सो मार्क स्पेक्टर जो कि मून नाइट है, वो पहले तो एक मर्सिनेरी था, यानी कि किराए का गुंडा, बट लेटर ऑन उसको एक मून गॉड कॉन्शु से पावर मिल गई एंड तब वो बना मून नाइट, जो कि नाइट में इनजस्टिस के खिलाफ फाइट करता है। बट जो मार्क है उसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। उसका पहला अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी तो एक मिलियनर का है और दूसरी पर्सनैलिटी एक कैब ड्राइवर की है। सो अगर बात करें मून नाइट की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो उसमें सबसे पहली एबिलिटी है इन्हांस ब्रेन फंक्शन। जब उसको दोबारा लाइफ दी गई तो उसका ब्रेन स्ट्रक्चर फंडामेंटली चेंज हो गया एंड ड्यू टू हिज ब्रेन टू ब्रेन कॉन्टैक्ट, मार्क स्टेट करता है कि वो रीबिल्ड हो गया एज अ गॉड वेपन। मार्क मेंटल असिस्टेंट है, वो टेलीपैथी अटैक्स माइंड स्केप को भी कंट्रोल कर सकता है एंड इसके अलावा उसके पास इमॉर्टेलिटी है, क्योंकि जब कॉन्शु ने मून लाइट को पावर्स दी तो वो कई तरह की थी एंड में से एक एबिलिटी थी इमॉर्टेलिटी। एंड क्योंकि मार्क एक बॉक्सर, मर्सिनरी और एक सुपर हीरो है, इसीलिए वो हैंड टू हैंड कॉम्पैक्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। उसको वेरियस टाइप ऑफ मार्शल आर्ट टेक्निक्स आती हैं, वो एक ओलंपिक लेवल एथलीट है। मार्क एक एक्सपर्ट पायलट भी है। उसकी जो अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी है स्पेक्टर, वो एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव है। उसके पास काफ़ी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड की। उसको न्यूयॉर्क में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है उन सभी चीज़ की नॉलेज रहती है। मून नाइट की स्पीड भी एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। वो तेजी से आती बुलेटियां किसी और ऑब्जेक्ट को भी बीच से ही काट सकता है। उसके पास पेन रेसिस्टेंट की भी एबिलिटी है, वो कितना भी घायल क्यों ना हो जाए फिर भी वो पल भर में ही ठीक हो जाता है और उसे दर्द बिल्कुल नहीं होता। वो किसी भी टाइप के वेपन्स को आसानी से यूज कर सकता है और दुनिया की हर लैंग्वेज बोल सकता है। मून नाइट की स्ट्रेंथ उसकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करती है, जिससे कि वो कभी ज्यादा तो कभी कम पावरफुल हो जाता है। बट अगर मून नाइट के गॉड ने खुद उसे कंट्रोल करा तब तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं सुपरमैन की। सुपरमैन को पावर्स मिलती हैं सन के रेडिएशन से एंड सिर्फ अर्थ के सन से ही नहीं, सुपरमैन अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर सकता है येलो सन एंड ब्लू सन के कांटेक्ट में भी एंड इससे सुपरमैन पूरी तरह सुपरचार्ज हो सकता है। लेकिन सुपरमैन रेड सन के सामने थोड़ा वीक पड़ जाता है एंड स्ट्रेंथ के मामले में भी सुपरमैन बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि सुपरमैन की पावर्स बहुत ही ज्यादा हैं। एंड गाइस, कॉमिक्स में भी सुपरमैन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ के फीट्स को परफॉर्म कर चुका है, जिसे करना किसी पावरफुल सुपर हीरो के लिए भी आसान बात नहीं है। एंड इसके अलावा सुपरमैन ने कॉमिक्स में एंटायर गैलेक्सी को भी मूव किया हुआ है। वेल, अब मूवी की बात भी कर लेते हैं। सो नो डाउट मूवी में भी सुपरमैन की पावर्स बहुत ही ज्यादा हैं, क्योंकि हमने जस्टिस लीग मूवी में ये देखा हुआ है कि सुपरमैन ने अकेले ही स्टेफन वुल्फ का बहुत बुरा हाल कर दिया था। ऑन दी अदर हैंड, जस्टिस लीग के बाकी हीरोज स्टेफन वुल्फ के सामने बहुत कमजोर पड़ गए थे एंड सुपरमैन ने सिर्फ एक पंच में ही स्टेफन वुल्फ को बूम ड्यूब के अंदर फेंक दिया था एंड उसने थ्री मदर बॉक्स को भी अलग कर दिया था। वेल, ये सब तो बात हुई स्ट्रेंथ की, अब बात करते हैं स्पीड की। ऑलराइट, सो गाइस, सुपरमैन की स्पीड का अंदाजा तो आपको जस्टिस लीग मूवी देखकर ही चल गया होगा, क्योंकि सुपरमैन ने फ्लैश तक को अपनी तरफ आते हुए देख लिया था। एंड मैं आपको बता दूं कि फ्लैश लाइट स्पीड में भी ट्रेवल कर सकता है, मगर बात सिर्फ यहाँ पर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि सुपरमैन बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए सुपरमैन अपनी आईज से भी टू डेंजरस बीम फायर कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल हीट विजन, एक्सरे विजन। एंड सुपरमैन की ये इनग्रेडिबल पावर्स इनफ हैं कि वो किसी को भी वेरी इजिली नॉकआउट कर सकता है। वेल, अब बात करें कि मून नाइट और सुपरमैन में कौन जीतेगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मून नाइट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो एक गॉड को डिफीट नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसके गॉड ने उसे कंट्रोल करा तब तो ये फाइट देखने लायक होगी। लेकिन एट दी एंड मुझे लगता है सुपरमैन डिफीट कर देगा मून नाइट को, क्योंकि सुपरमैन की स्पीड मून नाइट से बहुत ज़्यादा आगे है एंड उसकी स्ट्रेंथ के फीट्स के सामने मून नाइट कहीं पर भी नहीं टिकता। सुपरमैन का हीट विजन मून नाइट के लिए इनफ है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि इस फाइट में सुपरमैन डिफीट कर देगा मून नाइट को। वेल, ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आप अपने ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं डेडपूल की। डेडपूल को पावर्स मिली हैं एक सीरम की वजह से। इस सीरम के असर से डेडपूल के अंदर का म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो जाता है। अगर डेडपूल की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो डेडपूल के पास इनहांस स्ट्रेंथ है, वो आम इंसानों से कई गुना ताकतवर है। यहाँ तक कि कॉमिक्स में डेडपूल कैप्टन अमेरिका को भी टक्कर दे चुका है। डेडपूल के पास इनहांस ड्यूरेबिलिटी है, उसकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेडपूल आसानी से घायल नहीं होता, वो कई तरह के फोर्स को झेल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेडपूल को दर्द बिल्कुल नहीं होता, इसलिए उसे चोट लग भी जाए फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेडपूल की सबसे खास पावर है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, उसकी बॉडी हर तरह की इंजरीज को ठीक कर सकती है। बंदूक की गोलियों से भी डेडपूल पलभर में ही ठीक हो जाता है एंड अगर उसका कोई बॉडी पार्ट भी कट जाए तब भी उसकी बॉडी उस ऑर्गेन को पूरी तरह रीजनरेट कर देगी, मगर इस रीजनरेशन में थोड़ा टाइम लगता है। डेडपूल की इन पावर्स की वजह से उसे इमॉर्टल यानी अमर माना जाता है। जब तक डेडपूल का सर सलामत है तब तक उसकी बॉडी पूरी तरह से रीजनरेट होती रहेगी।
इनहांस स्पीड। डेडपूल की स्पीड बहुत ज्यादा है, हालांकि वो सुपरमैन या फ्लैश जितना फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी डेडपूल काफी फास्ट है। वो अपनी स्पीड की वजह से अपनी स्वॉर्ड से ही तेजी से आती बुलेट्स को भी रोक सकता है। डेडपूल घंटों तक फाइट कर सकता है एंड उस पर किसी भी तरह के पॉइजन का कोई भी असर नहीं होता। वेल, ये तो सिर्फ बात हुई डेडपूल की। नाउ अब बात करते हैं ब्लैक एडम की। सो अगर बात करें ब्लैक एडम की, तो उसमें सबसे पहली एबिलिटी है डिवाइन एम्पावरमेंट। और जब ब्लैक एडम का दोबारा रिसरेक्शन हुआ था, तब उसको विजार्ड से पावर लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी थी, बिकॉज तब उसके पास आ गई थी 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स, जो कि हैं शू, हेरो, आमुन, जेहूटी, एल्टन एंड मेहम। बट ब्लैक एडम को अपनी पावर्स को एक्सेस करने के लिए एक मैजिकल वर्ड बोलना पड़ता है, जो कि है शज़ाम। वेल, अब बात करते हैं उसकी सारी एबिलिटीज की। सो अगर सबसे पहले बात करें उसके स्टेमिना ऑफ शू की, तो शू एक इजिप्शियन गॉड है एयर और लाइट का। एंड क्योंकि ब्लैक एडम के पास शू की एबिलिटी है, इसीलिए उसके पास आ जाता है लिमिटलेस फिजिकल स्टेमिना। और ब्लैक एडम बिना किसी फूड और पानी के भी आसानी से सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट जो उसके पास है वो है स्पीड ऑफ हेरो। अब क्योंकि हेरो इजिप्शियन गॉड ऑफ स्काई है, इसीलिए ब्लैक एडम को हाइपरसोनिक स्पीड का भी एडवांटेज हो जाता है। एंड इस एबिलिटी की हेल्प से ब्लैक एडम अनट्रैकेबल स्पीड में फ्लाई कर सकता है। उसके पास सुपर ह्यूमन एजिलिटी भी है, जिसकी वजह से उसका बॉडी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस काफी इनहांस हो जाता है। नाउ अब जो पावर ब्लैक एडम कैरी करता है वो है स्ट्रेंथ ऑफ अमुन। सो अमुन गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है इजिप्शियन माइथोलॉजी में। एंड इस एबिलिटी से भी ब्लैक एडम के पास अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ आ जाती है। अब जो उसके पास नेक्स्ट एबिलिटी है वो है विजडम ऑफ जेहूटी। अब जेहूटी इजिप्शियन गॉड है लर्निंग का, और इस एबिलिटी से ब्लैक एडम के पास इनहांस सेंसेस आ जाते हैं। उसके पास इनहांस हियरिंग भी आ जाती है। एंड इस एबिलिटी की हेल्प से वो अपने ऊपर होने वाले अटैक्स को आसानी से सेंस कर सकता है। अब जो नेक्स्ट एबिलिटी ब्लैक एडम कैरी करता है वो है पावर ऑफ एल्टन। एंड इससे उसके पास इलेक्ट्रोकाइनेसिस आ जाती है, यानी कि वो आराम से मैजिक और लाइटनिंग बोल्ट को कमांड कर सकता है, वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, थंडर बोल्ट को क्रिएट कर सकता है, यहाँ तक कि आर्केन लाइटनिंग को भी कमांड कर सकता है। एंड फाइनली जो लास्ट एबिलिटी ब्लैक एडम में है वो है करेज ऑफ मेहम। इस एबिलिटी की हेल्प से ब्लैक एडम के पास साइकोलॉजिकल रेसिलियंस आ जाती है। उसके पास एक्सेलरेटर हीलिंग भी आ जाती है, इससे वो चोट खाने पर काफ़ी जल्दी हील कर लेता है। और जब तक वो अपने ब्लैक एडम वाले फॉर्म में है, वो बिल्कुल भी एज नहीं करेगा, और वो मैजिकल स्पेल को भी इजीली यूज़ कर सकता है। वेल, अगर बात करें कौन जीतेगा ब्लैक एडम वर्सेस डेडपूल की फाइट में, सो मेरे ओपिनियन से तो ब्लैक एडम डिफीट कर देगा डेडपूल को, क्योंकि भले ही डेडपूल कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, एंड उस पर कोई भी पॉइजन असर करे या फिर ना करे, उसकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन रीग्रो हो सकता है, लेकिन वो जब वो बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में होगा, वरना उसका बॉडी ऑर्गन बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा। और डेडपूल एक ह्यूमन के कंपैरिजन में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मगर वो ब्लैक एडम की स्ट्रेंथ को मैच नहीं करता, क्योंकि वो एक गॉड है और ब्लैक एडम के पास डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पावर हैं, जिनके सामने डेडपूल कहीं भी स्टैंड नहीं करता। वो लाइटनिंग को मैनिपुलेट करके डेडपूल को पूरी तरीके से ख़त्म हो कर देगा, एंड इससे डेडपूल का कहीं भी नामो निशान नहीं बचेगा, इसलिए उसकी बॉडी कभी रीग्रो हो ही नहीं पाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि इस बैटल में डेडपूल हार जाएगा ब्लैक एडम से। वेल, ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आप अपने ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।